हाय गाइस यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज ना मैंने देखा, जस्ट चेकआउट किया कि ये 1.17.40 का एक नया अपडेट आया है। और ना मैंने देखा कि ये जो अपडेट है ना, मैंने प्ले स्टोर से अपडेट किया जस्ट, और अपडेट करने के बाद कुछ अलग सी फील आ रही है, क्योंकि ना सब कुछ चेंज हो चुका है। और इसमें रुको, मैं देखता हूँ एक बार, न्यू वर्ल्ड बना के देखते हैं, क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है। मैंने जस्ट स्टार्ट किया और प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है ना, वैसा हो गया। मैंने चेकआउट करना था मुझे, इसलिए मैंने ना एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट किया। न्यू वर्ल्ड फिर क्रिएटिव में किया कि तुम लोग को भी दिखाना था ना वो सब क्या क्या न्यू आया। बाकी सब ये सब तो वही सेम है, बाकी कुछ उतना तो उसमें है नहीं, पर केस एंड क्लिप्स, ओल्ड फीचर्स, क्रिएशन, कस्टम्स, ये सब कुछ नया ऐड हुआ है मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ। तुम लोग बताना कि ये सही में है कि नहीं। बाकी रिसोर्स पैक का छोड़ो, मैंने डायरेक्टली क्रिएट कर दिया। और हाँ, कुछ लोगों ने ऐसे है ना कि वो वीडियो देखे है पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, बता दे रहा हूँ 86% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। यार क्या कर क्या रहे, वो वीडियो देखते है, वीडियो देखने के बाद वो चले जाते हैं अपना काम करते हैं वो लोग। या सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन है रेड कलर का, वो वाला दबा देना। हम लोग ना 1K के बहुत ज्यादा क्लोज है, आई मीन 1000 सब्सक्राइबर, नहीं बस 100 सब्सक्राइबर चाहिए हमें 1K के लिए। तो यार मैं ना यहाँ पे स्पॉन होया, और स्पॉन होने के बाद मैंने देखा आजू बाजू ना बहुत ज़्यादा अलग सा हो गया था फील, बिकॉज ये अपडेट के बाद ना थोड़ा गेम का एक्सपीरियंस थोड़ा स्मूथ सा आ जा रहा था। तो ना मैंने देखा जैसे ही थोड़ा अप स्काई में आया, देखो भाई यहाँ पे मिल गया ये विलेज, और विलेज में भी ना बहुत सारी चीज़ें अलग जैसी थी, बिकॉज विलेज में ऐसे लाइन से घर, ये काऊ वाला जो है ना काऊ का उस वो देखा मैंने, बहुत ज़्यादा अलग थे, बिकॉज वहाँ पे प्लस जैसा कुछ बना था। और ये चीज़ ना मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी कि उसके अंदर दो दो लैंप्स थे। और हाँ, ये वाली काऊ तो देखो फेंस के ऊपर से चली गई, पता नहीं चला क्या हुआ। सो ना मैंने देखा, फिर यहाँ पे देख रहा हूँ कि आगे जाके कि मेरे को बस ये सर्च करना था कि जो उसमें दिखाया था, मैंने कुछ वीडियोज देखी थी ना 1.17.40 अपडेट की, तो उसमें बताया था कि उससे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो सब चेक करना था। और केस एंड क्लिप्स का बहुत बड़े बड़े पहाड़ नीचे जमीन के अंदर केस, लेकिन ये क्लिप्स तो शुरू होते ही खत्म है भाई, मतलब बाहर से निकला और बाहर से ही वापस निकल गया। सो वही समझ में नहीं आया, मेरे को लगा यहाँ पे एक और विलेज है इसलिए मैं आगे गया, लेकिन वो वही विलेज था, मैं उसके पीछे आ गया था। सो अभी मैं थोड़ा आगे गया देखने के लिए कुछ है या नहीं, बट मुझे उतना कुछ तो खास नहीं लगा। ये सवाना बायोम में, पता नहीं कौन सी बायोम है ये वाली। बायोम में ना ज्यादातर विचेस का हर्ट रहता है, पर इसमें मुझे कोई विच का हर्ट भी नहीं दिखा। आई मीन ये वाला थोड़ा जो चीज मुझे ढूंढनी थी ना तुरंत तुरंत नहीं मिल रही थी, तो मेरे को ना ज्यादा ढूंढना पड़ जा रहा है। अभी देख लो मैं इतना ज्यादा अपने विलेज से आगे आ चुका हूँ, यहाँ पे केव थी पर मैंने सोचा देखूंगा नहीं। ये वाले माउंटेन मुझे लगा ऊंचे वाले माउंटेन थे, लेकिन मेरे को लगा उधर और ऊंचा माउंटेन है, पर वो सब नॉर्मल माउंटेन्स ही थे, ज्यादा उतना ऊंचा भी नहीं था जितना ऊंचा उस वीडियो में मैंने देखा था। और हाँ, ये 1.17.80 का जिसको भी वर्जन चाहिए ना माइनक्राफ्ट का, वो कमेंट कर देना। मैंने ना डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, तुम लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हो। मीडिया फायर की लिंक है, एकदम आराम से हो जाएगी डाउनलोड, तुम्हारी फाइल्स में जाना और ऑन कर लेना। बाकी अभी तो मैं यही सब ढूंढ रहा था, बाकी मुझे उतना कुछ तो दिखा नहीं, पर एक लैंड काफ़ी अच्छा इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस था, और यहाँ पे एक नेदर पोर्टल था। और हाँ, जिसको भी इसका सीड चाहिए ना उसको भी डिस्क्रिप्शन में इसका सीड मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर ही देना और लाइक भी कर देना, और जिसको शेयर करना है ना, आई मीन कोई तुम्हारा फ्रेंड हो या कोई भी, उसको शेयर भी कर देना। और अब ना मैं देख रहा हूँ ना ये केस में केस ढूंढ रहा था, कुछ केस दिखी थी यहाँ पे, ये केस थोड़ी अंधी लग थोड़ा ब्लैक सा शेड आ रहा था, इसलिए मैंने ना नाइट विजन का पोर्शन पी लिया। ये 3 मिनट्स का था, मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, इसलिए मैंने उसको पी लिया। अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है ना माइनक्राफ्ट में जब नया अपडेट आता है, तो काफ़ी 50 bucks फिक्सेस ऐसे कुछ दिखाया था। ये स्केल्टन के पास आयरन हेलमेट था, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैं गया डायरेक्टली सोचा डायमंड ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। मैं गया देखो ढूंढा, इधर इधर गया थोड़ा ढूंढा, एक ब्लॉक बस लावा के एक ब्लॉक पे ही रह गया था मैं, अगर मैं वहाँ पे चल जाता ना मैं लावा में गिर जाता,
और अच्छा हुआ मैं क्रिएटिव में था, इतनी जल्दी डायमंड मिल गया मुझे, मुझे खुद नहीं पता था। मैंने एक और नाइट विजन पी लिया, अभी देख रहा हूँ इतनी जल्दी डायमंड मिल जाएगा। ये तो मैंने सोचा मैं इतना सर्वाइवल तो इसमें स्टार्ट कर देनी चाहिए था हमें। हाँ, और सर्वाइवल सीरीज की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसका उतना कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ना सर्वाइवल सीरीज की वीडियो लेट है। हाँ, वैसे भी 1 वीक हो चुका है। ये क्या है, आयरन है क्या? मुझे समझ में नहीं आया, बट आयरन है क्या है। इसके अंदर भी फूल, घास, घास पत्ते वो सब दिखेंगे। और ये हाँ, केव ना बहुत यूथ साइज की है। लास्ट टाइम ना इससे पहले वाले वर्जन में इतने बड़े बड़े केव्स नहीं मिले थे, एक्चुअली नहीं मिले थे सच्ची में। सो ये वाली जो वर्जन है ना वो थोड़ा ज्यादा ही इम्प्रेसिव था, बट ज्यादा देर में किस केव में क्या ही करता इसलिए देखा। लेकिन ना ये वाला बग मेरे को कंप्लेन करना है माइनक्राफ्ट को, कि जब भी मैं ऊपर की तरफ जैसे तोड़ता ना वो सब बाहर का सब दिखता है, किधर पानी है किधर डायमंड्स है वो सब सब दिख जाता है। सो उससे इजी भी है, पर हाँ, पर ये गेम का जो एक्सपीरियंस है ना, चंक्स बहुत स्लोली रिपीट हो रहे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे आ रहे। देखो अभी एक साइड में एक और नेदर पोर्टल मिल गया। नेदर पोर्टल नहीं, उसको रुइन पोर्टल बोलते हैं। अभी मैं और आगे जा रहा हूँ। मैं ना, मेरे को मेन था कि मैं बस उसी को ढूंढ लूँ, जैसे वो मुझे मिल जाए किधर से भी तो भी। मैं उसी को ढूंढ रहा था, पहाड़ों जो बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं ना, मैंने उन्हीं को ढूंढ रहा था। तब तक मुझे एक और बायोम दिख गई। इस बायोम का मुझे नाम तो नहीं पता, बहुत अलग सी बायोम है। इसमें टेराकोटा ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर के मिल जाते हैं, सभी कलर के मिल जाते हैं। देखो येल्लो टेराकोटा, ऐसे एक और नेदर पोर्टल रुइन पोर्टल मिल गया हमें। मैं और सीधे जब मेरे को लगा था कि मैं उसके गोल्ड ब्लॉक पर जंप करूं, लेकिन मैं जाके डायमंड पे लावा पे गिर गया। वो वाला सबसे अजीब सा सीन था। और हाँ, ये जो बायोम है ना ये बहुत लंबी थी, मैं मतलब इतनी भी लंबी नहीं थी कि पूरा वर्ल्ड इससे जनरेट हो गया, बट हाँ लंबी तो थी ना। और ये वाली चीज जो है ना इसके बीचों में निकलने में अलग सी फील आ रही थी ना, कि मैं क्या ही कर रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद मेरा माइंड सेट हुआ, मेरे को कुछ अलग ढूंढना था, मुझे पहाड़ ढूंढने थे तो बड़े बड़े, पर स्नोई स्नोई एरिया मिलते हैं ना, स्नोई बायोम बोलते हैं उसको, उसके अंदर वो। इसलिए मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था ढूंढ, तब तक एक और विलेज मिल गया। वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ भी था, पर मैंने छोड़ दिया बिकॉज मैं क्रिएटिव में हूँ, मैं क्रिएटिव में सब कुछ ले सकता हूँ। और आज जिसको भी सर्वाइवल सीरीज की सीट चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसकी सीट, पर पूरे वीडियो देखने के बाद ही जाना। अभी मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ, देखो थोड़ा और आगे जाते हैं ना, थोड़ा और आगे फ्रंट थोड़ा घूमते ऐसा बस दिख जाए वो, तो मैं उसी को ढूंढ रहा था पर वो मुझे दिखा नहीं, इसलिए ये बायोम बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही थी बार बार। इसलिए मैंने इस बायोम से तुरंत निकलने की कोशिश की, बाहर निकला तो वापस वो गाइस। यार बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आ रहा है यार उतना कुछ, पर ना एक कंप्लेन मुझे सबसे करनी है यार, ये चंक्स बहुत स्लोली रिपीट हो रहे हैं, मैं ज़्यादा ट्रेवल कैसे करूँ यार, वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगा था ना ये पूरा समुद्र है, समुद्र के ऊपर आइस जम गई है। मैंने इसको चेकआउट करने के लिए ना थोड़ा आगे बढ़ा, ऐसा कॉर्नर साइड पे गया कि ताकि ज़्यादा तो उधर कुछ दिखे ना। मैं गया और डिग किया, लेकिन इसके अंदर भी समुद्र ही था, ओशियन था। ओशियन के ऊपर जस्ट एक उसकी ब्लैंकेट चढ़ी हुई थी आइस की, और बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार इसका। और हाँ यार, जिसने अभी तक ना सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और हाँ, ये सीड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीड भी मिल, तो अब सब कुछ मिल ही जाएगा, तो सब्सक्राइब भी कर दो, मुझे भी कुछ मिल।